हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब बटन में क्लिक करके, और इसके बाद जो दी गई है नोटिफिकेशन बेल में क्लिक करिए, और हमारे चैनल में दिए गए जितने भी वीडियोज़ हैं और जो भी नए वीडियोज़ अपलोड होते हैं उसकी जानकारी आपको लगातार मिलती रहेगी। उसके बाद यहाँ पर ये नेक्स्ट टैब दी हुई है फार्मूला टैब। फार्मूला टैब में फर्स्ट ब्लॉक दिया हुआ है फंक्शन लाइब्रेरी। फंक्शन लाइब्रेरी के अंदर ये फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है इंसर्ट फंक्शन। तो इंसर्ट फंक्शन में क्या होता है, जैसे हम इंसर्ट फंक्शन पर क्लिक करते हैं तो ये इंसर्ट फंक्शन की विंडो ओपन हो जाती है। तो यहाँ पर ये मैंने कुछ नंबर्स दे के रखे हैं, तो जैसे यहाँ से यदि हमें किसी भी फंक्शन का यूज़ करना है तो यहाँ से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने इंसर्ट फंक्शन ऑप्शन पर क्लिक किया तो ये इंसर्ट फंक्शन की विंडो। उसके बाद हमें जिस भी फंक्शन का यूज़ करना है तो हम यहाँ से सिलेक्ट अ फंक्शन से सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हमें मान लो यहाँ पर ये जो हमने नंबर्स लेके रखा है इन सारे नंबर्स का टोटल निकालना है तो सम फंक्शन का यूज़ करना है, तो यहाँ से हम सम फंक्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ से ये सम फंक्शन को सिलेक्ट किया, उसके बाद ओके बटन पर क्लिक करते हैं तो ये फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स की विंडो ओपन हो जाती है। अब यहाँ पर दिया है नंबर वन, तो नंबर वन को पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये जो रेफरेंस की बटन दी हुई है इस बटन पर क्लिक करते हैं, फर्स्ट नंबर को सिलेक्ट किया, उसके बाद नंबर सेकेंड, सेकेंड नंबर को सिलेक्ट करेंगे, फिर इसी तरीके से थर्ड नंबर को सिलेक्ट करेंगे, थर्ड नंबर ये है इसको सिलेक्ट किया, फिर फोर्थ नंबर को सिलेक्ट करेंगे, ये फोर्थ नंबर को सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पर ये बता रहा है C3, C4, C5, C6, सी नंबर का कॉलम है, थ्री नंबर की रो है, मतलब ये इसको सिलेक्ट किया है, फिर C4, C5, C6 इसी तरीके से ये रो और कॉलम का एड्रेस बता रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर भी ये टोटल बता रहा है कितना है, 208। जैसे हम यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये इसका टोटल आ गया। इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, ये यहाँ पर ये सारे नंबर्स को सिलेक्ट करके ये फंक्शन के द्वारा हम टोटल निकाल सकते हैं। इसके अलावा यदि हमें और किसी फंक्शन का यूज़ करना है, यहाँ से हम इंसर्ट फंक्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ भी अलग अलग फंक्शन की लिस्ट दी हुई है, हाइपरलिंक है, एफ, एवरेज, काउंट, मैक्सिमम, तो जिस भी फंक्शन का यूज़ करना है उस फंक्शन को सिलेक्ट करके हम उसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है ऑटो सम। जैसे हम यहाँ पर ऑटो सम ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये कुछ ऑप्शंस फंक्शन की लिस्ट आ रही है, सम है, एवरेज, काउंट नंबर, मैक्सिमम, मिनिमम। यहाँ पर ये फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है सम। यदि हमें इन सारे जो भी हमने नंबर्स दिए हैं इन सबका सम निकालना है तो ऑटो सम ऑप्शन पर जाते हैं और सम ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसको पहले हटा देते हैं, ये इसको सिलेक्ट किया, सम ये इसका टोटल बता दिया। इसी तरीके से यदि हमें इसका एवरेज निकालना है तो टोटल वाली सेल को सिलेक्ट करेंगे, एवरेज ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये जितने भी नंबर्स ये सारे नंबर सिलेक्शन में चेंज हो जाते हैं। उसके बाद हम यहाँ से कीबोर्ड से एंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये इसका एवरेज निकल गया। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है काउंट नंबर्स। तो काउंट नंबर में क्या होता है, जिसे हमने ये जितने भी नंबर्स देके रखे हैं इन सारे नंबर्स को काउंट करना है कि कितने हैं, तो ऑटो सम ऑप्शन पर जाते हैं और यहाँ पर काउंट नंबर्स ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि काउंट नंबर में कितना है, 5, मतलब ये 1, 2, 3, 4, 5, ये पूरे 5 नंबर्स हैं जिनको ये यहाँ पर काउंट करके बता दिया कि इसमें 5 नंबर्स हैं। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है मैक्सिमम। मैक्सिमम का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, तो मैक्सिमम मतलब जैसे हमने ये पूरे नंबर्स को सिलेक्ट किया अब इसमें से जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसको बताएगा। यहाँ पर मैक्सिमम ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या क्या थी, 89, तो यहाँ पर ये अलग से बता रहा है 89। इसी तरीके से हमने इसको फिर से सिलेक्ट किया और यहाँ पर दिया हुआ है मिनिमम। जैसे यहाँ पर हम इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो सबसे छोटी संख्या इसमें क्या थी, 5, तो यहाँ पर ये बता रहा है कि सबसे छोटी संख्या इसमें 5 है। ये तो इस तरीके से हम यहाँ पर जिस भी फंक्शन का हमें यूज़ करना है तो यहाँ से हम कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है रिसेंटली यूज्ड, तो रिसेंटली यूज्ड में यहाँ पर ये कुछ फंक्शन की लिस्ट दी है, सम है, एवरेज है, तो जिस भी फंक्शन का हमें यूज़ करना है यहाँ से हम कर सकते हैं। फिर फाइनेंशियल से रिलेटेड कुछ फंक्शन दिए हुए हैं यहाँ पर, PMT है, ये अलग अलग फंक्शन की लिस्ट दी हुई है,
फिर फाइनेंशियल से रिलेटेड फंक्शन है, लॉजिकल, टेक्स्ट, इसी तरीके से डेट एंड टाइम से रिलेटेड फंक्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ से हमें जिस भी फंक्शन का यूज करना है तो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ब्लॉक दिया हुआ है डिफाइंड नेम्स। तो डिफाइंड नेम में यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है नेम मैनेजर। तो जैसे हम यहाँ पर नेम मैनेजर ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो ये नेम मैनेजर की विंडो ओपन हो जाती है, लेकिन अभी यहाँ पर ये कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये पूरा ब्लैंक है। तो इस ऑप्शन का यूज करने के पहले हमें किसी भी सेल का नाम डिफाइन करना होता है। डिफाइन नेम में क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पर जैसे मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया तो इसका सेल एड्रेस यहाँ पर क्या है, डी नंबर का कॉलम है और 16 नंबर की रो। तो नेम बॉक्स में यहाँ पर क्या बता रहा है, डी 16, मतलब डी नंबर का कॉलम और 16 नंबर की रो। यदि हम चाहते हैं कि यदि हम इस सेल का नाम कुछ और दे दें, कुछ और नाम डिफाइन कर दें कि डी 6 की जगह इसका नाम हम कुछ और डिफाइन कर दें, तो नेम बॉक्स में वो नाम दिखाई दे जो हमने डिफाइन नेम में दे के रखा है। तो अभी क्या बता रहा है, डी 16, इस सेल को सिलेक्ट किया, डिफाइन नेम पर जाते हैं और यहाँ पर डिफाइन नेम ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही यहाँ पर हम डिफाइन नेम ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो ये न्यू नेम की विंडो ओपन हो जाती है। अब यहाँ पर हमें इसका नाम क्या देना है, तो मान लो मैंने यहाँ पर दे दिया AAA, इसका नाम AAA दे दिया। चाहो तो यहाँ पर कमेंट में भी हम कुछ दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये रिफर्स टू में ये इसका एड्रेस बता रहा है कि C2, मतलब यहाँ से ये C2 है और इसमें हमने किस सेल को सिलेक्ट किया है, D16, मतलब D नंबर का कॉलम और 16 नंबर की रो। तो इसका नाम अभी क्या बता रहा है, D16, और यहाँ पर हमने डिफाइन नेम में जाकर इसका नाम दे दिया AAA। ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर ये इसका नाम क्या बता रहा है, AAA, जो कि पहले क्या बता रहा था, D16। तो इस तरीके से हम अलग अलग सेल का नाम डिफाइन कर सकते हैं। इसका यूज करके हम एक फॉर्मूले में इसको यूज करके देखते हैं। देखो पहले यहाँ पर ये अलग अलग मैंने ये नंबर्स देके रखे हुए हैं, इसको हमने सेलेक्ट किया और इसका नाम डिफाइन कर देते हैं। जैसे यहाँ पर डिफाइन नेम पर जाते हैं और इसका नाम दे दिया ASD, ये नाम दे दिया। ओके बटन पर क्लिक करते हैं, इसका नाम क्या डिफाइन किया है, ASD। तो देखो यहाँ पर ये पूरा सेलेक्ट करेंगे तो नेम बॉक्स में यहाँ पर क्या बता रहा है, ASD। उसके बाद यहाँ पर ये सेकेंड इसको सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद फिर से डिफाइन नेम पर जाते हैं और यहाँ पर नाम दे दिया BNM। ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो नेम बॉक्स में क्या बता रहा है, BNM। अब यहाँ पर हमने तीन नाम डिफाइन कर लिए, एक ब्लैंक सेल को सिलेक्ट किया था और उसका नाम AAA दिया था, और इसको सेलेक्ट करके इसका नाम हमने ASD दिया हुआ था, और इसको सेलेक्ट करके इसका नाम BNM दिया था। तो यहाँ पर ये तीन नाम डिफाइन किए हुए हैं। अब जैसे हम यहाँ पर नेम मैनेजर ऑप्शन पर जाते हैं तो यहाँ पर ये बता रहा है कि हमने इसका कितना क्या क्या नाम इसका डिफाइन किया है। तो यहाँ पर ये बता रहा है AAA है, और यहाँ पर रिफर्स टू में ये बता रहा है इसका एड्रेस C2 है और D नंबर का कॉलम और 16 नंबर की रो को सिलेक्ट किया है जिसका नाम AAA दिया हुआ है, और इसकी वैल्यू जो है खाली थी क्योंकि हमने इसमें ब्लैंक सेल को सिलेक्ट किया था। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट डिफाइन नेम बता रहा है ASD, इसमें ये जो वैल्यू हमने दी हुई थी वो वैल्यू बता रही है, और यहाँ पर बता रहा है इसका सेल एड्रेस की D6 से लेकर F7 तक सेलेक्ट किया है। इसी तरीके से यहाँ पर तीसरा नाम डिफाइन बता रहा है BNM, उसकी वैल्यू बता रही है जितना हमने सिलेक्ट किया हुआ था। यहाँ पर ये रिफर्स टू में उसका एड्रेस बता रहा है कि C2 है और इसमें हमने J6 से लेकर L7 तक सेलेक्ट किया हुआ है। तो नेम मैनेजर ऑप्शन से क्या होता है, जो भी हमने नाम डिफाइन किया है वो नेम मैनेजर में दिखाई देगा। अब यदि हमें डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पर ये तीन टैब दी हुई है, न्यू है, एडिट है, सॉरी ये बटन है न्यू, एडिट और डिलीट, यदि हमें डायरेक्ट यहाँ से नया नाम डिफाइन करना है तो न्यू बटन में क्लिक करके हम यहाँ से न्यू नेम डिफाइन कर सकते हैं। या तो यहाँ पर जैसे हमें कुछ चेंज करना है, मान लो यदि हमें जैसे इसका नाम हमने AAA दिया हुआ है और इसका नाम यदि हमें चेंज करना है तो एडिट पर जाकर हम यहाँ पर इसका नाम चेंज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर दे दिया JKL, ये नाम दे दिया। ओके बटन पर क्लिक करते हैं तो अब यहाँ पर ये बताने लगा इसका नाम JKL। इसी तरीके से यदि हमने किसी भी डिफाइन नेम को डिलीट करना है तो सेलेक्ट करके हम यहाँ से डिलीट बटन में क्लिक करके इसको डिलीट भी कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर हमने ये जो सेलेक्ट करके इसका नाम डिफाइन किया था इसको हम फॉर्मूले में देखते हैं। जैसे हमें इसका टोटल निकालना है, सम फंक्शन का यूज करना है, तो कैसे करते हैं। देखो यहाँ पर मैंने लगाया
फंक्शन लगाते हैं इक्वल, सम फंक्शन लगाया, उसके बाद यहाँ पर ये लेफ्ट पैरेंथेसिस लगाया, और यहाँ पर हम यदि हमें टोटल निकालना होता तो अलग अलग हमें सारे नंबर्स को सिलेक्ट करना पड़ता। यहाँ पर हमने ऑलरेडी इसका नाम डिफाइन करके रखा हुआ है, तो इसको हमें फॉर्मूले में यूज करना है। तो यहाँ पर हम जाते हैं यूज इन फॉर्मूला। जैसे हम यहाँ पर यूज इन फॉर्मूला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इसके नाम बता रहे हैं, हमने ये दो नाम डिफाइन किए हुए थे, इसका ASD और इसका BNN। यहाँ से मैंने ASD नाम को सिलेक्ट किया, कॉमा लगाते हैं, सेकेंड नाम डिफाइन किया था BNM। जैसे BNM को सिलेक्ट किया तो ये पूरा सिलेक्ट हो गया, और यहाँ पर राइट पैरेंथेसिस लगाते हैं, और जैसे हम यहाँ पर एंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये ASD का और ये BNM का, इन दोनों नंबर्स का ये यहाँ पर ये टोटल बता दिया कितना है, 649। तो इस तरीके से हम यहाँ पर अलग अलग तरीके से ये नाम डिफाइन करके और हम इसको फॉर्मूले फंक्शन में भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। तो क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन का यूज करने के लिए हम पहले यहाँ पर कुछ यहाँ पर फंक्शन का यूज करने के लिए यहाँ पर कुछ टाइप कर लेते हैं। इस तरीके से यहाँ पर ये प्रिंसिपल दिया हुआ है रेट टाइम, और अब इसका हमें PMT निकालना है। तो यहाँ पर हमने ये प्रिंसिपल दिया हुआ है 5000, रेट 5%, और यहाँ पर टाइम दिया है 2 ईयर्स। अब इसका हम यहाँ पर आएगा सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। यहाँ पर ये कितना आ गया, 500। इसी तरीके से हम इसका भी निकाल लेते हैं, इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पर, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। एंटर की प्रेस करते हैं तो इसका आ गया 240। इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं ये। अब यहाँ पर ये फॉर्मूले में बता रहा है इज इक्वल टू, यहाँ पर जैसे हमने इसको सेलेक्ट किया तो यहाँ पर बता रहा है D6, मतलब D नंबर का कॉलम है, 6 नंबर की रो है, मतलब इसको सेलेक्ट किया है, इनटू E6 मतलब E नंबर का कॉलम, 6 नंबर की रो। तो इस तरीके से यहाँ पर ये फॉर्मूला बार में बताता है कि हमने किस किस को सेलेक्ट किया है। उसके बाद यहाँ पर हम जाते हैं क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन ऑप्शन का यूज करना है। तो उसके लिए यहाँ पर हम देखते हैं पहले नेम बॉक्स में, अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा है, सिर्फ ये ASD और BNM हम जो हमने पहले से नाम डिफाइन किया हुआ था वो नाम से हो रहा है। तो यहाँ पर हम ये जो हमने दिया हुआ है इसको पूरा सेलेक्ट करते हैं, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो ये क्रिएट नेम्स फ्रॉम सिलेक्शन की विंडो ओपन हो जाती है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, टॉप रो ऑप्शन को चेक्ड कर देते हैं कि यहाँ पर हमें टॉप रो को दिखाना है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर टॉप रो को चेक्ड कर दिया और ओके बटन पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही ओके बटन पर क्लिक किया तो देखो ये अब यहाँ पर ये बताने लगा, जो इसमें हमने ऊपर की जो टॉप रो थी, प्रिंसिपल रेट टाइम SI सिंपल इंटरेस्ट, ये जो हमने दिया हुआ था ये पूरा यहाँ पर आ गया। अब जैसे हम यहाँ से प्रिंसिपल को सिलेक्ट करते हैं तो ये प्रिंसिपल में हमने जितना भी दिया हुआ था ये सिलेक्ट हो गया। इसी तरीके से यदि हम यहाँ पर रेट को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ से रेट में हमने जितना दिया हुआ था 5-4 ये उसको सिलेक्ट कर दिया। इसी तरीके से टाइम को सिलेक्ट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट, तो जो जिसको भी हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे वो यहाँ पर सिलेक्ट करेगा कि इसमें हमने कितनी, हमने इसमें क्या वैल्यू देकर रखी है। उसके बाद यहाँ पर हम क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन में हमने टॉप रो को चेक्ड किया, तो जैसे ही टॉप रो को चेक्ड किया तो वो कहाँ पर शो होने लगा, नेम बॉक्स में। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं, पहले जैसे हमने यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट में ये जो आया है 500 इसको सेलेक्ट किया, तो अभी यहाँ पर क्या बता रहा है, इज इक्वल टू D6 इंटू E6 इंटू F6 डिवाइडेड बाय 100। यदि मान लो इसमें बहुत बड़ा फॉर्मूला होता तो यहाँ से हमें ढूंढने में प्रॉब्लम होती, कि जैसे यहाँ पर D6 है तो यहाँ से हमें ढूंढना पड़ता कि D नंबर का कॉलम 6 नंबर की रो, मतलब इसमें क्या किया है, प्रिंसिपल को सिलेक्ट किया है। इसी तरीके से E6 को ढूंढो, E नंबर का कॉलम 6 नंबर की रो, मतलब रेट को सिलेक्ट किया है। यदि हम चाहते हैं कि यहाँ पर इसकी वैल्यू शो हो जाए कि D6 मतलब इसमें हमने प्रिंसिपल को सिलेक्ट किया है, फिर यहाँ पर बता रहा है E6 मतलब रेट को सिलेक्ट किया है, F6 मतलब टाइम को सिलेक्ट किया है। तो यहाँ पर अभी इस तरीके से वैल्यू बता रही है D6 इंटू E6 इंटू F6 डिवाइडेड बाय 100। यदि हम चाहते हैं यहाँ पर ये बताए इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100,
तो इसमें हमें प्रॉब्लम नहीं होगी, आसानी से पता चल जाएगा कि इसमें हमने किस किस को सिलेक्ट किया है। तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज एंड फॉर्मूला में जाते हैं, सॉरी डिफाइन नेम पर जाते हैं, डिफाइन नेम ऑप्शन पर और अप्लाई नेम पर क्लिक करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर अप्लाई नेम पर क्लिक किया तो जो भी हमने टॉप रो को चेक्ड किया था तो यहाँ पर हमने जो भी टॉप रो में जो वैल्यू थी प्रिंसिपल रेट टाइम और सिंपल इंटरेस्ट तो यहाँ पर ये ऑलरेडी पहले से ही सिलेक्ट है। जैसे हम यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक करते हैं तो देखो पहले वहां पे क्या बता रहा था D6 into E6 into F6, अब क्या बता रहा है इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। इस तरीके से हम यहाँ पर क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ब्लॉक दिया हुआ है कैलकुलेशन ब्लॉक, तो कैलकुलेशन ब्लॉक में फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है कैलकुलेशन ऑप्शन, तो जो कैलकुलेशन ब्लॉक है ये सारे ऑप्शन इसमें कैलकुलेशन से रिलेटेड है। फर्स्ट ऑप्शन इसमें दिया हुआ है कैलकुलेशन ऑप्शन, जैसे हम यहाँ पर कैलकुलेशन ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो इसके अंदर ये तीन ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक एक्सेप्ट फॉर डेटा टेबल और मैनुअल। तो पहले हम यहाँ पर देखते हैं ऑटोमेटिक को, तो जैसे हमने यहाँ पर ये कुछ नंबर्स लेके रखे हैं, इन सारे नंबर्स को सिलेक्ट करके इनका पहले इनको ऐड कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। यहाँ पर ये ऑटो सम पर जाकर ये सम ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये इसका टोटल बता रहा है कितना है 235। उसके बाद जैसे यहाँ पर अभी ये कैलकुलेशन ऑटोमेटिक आ गया क्योंकि यहाँ पर ऑटोमेटिक ऑप्शन सेलेक्ट है, यदि हम यहाँ पर इसकी वैल्यू चेंज भी करते हैं जैसे यहाँ पर अभी 235 है, यहाँ पर मैंने कर दिया 23, तो ये यहाँ पर ये चेंज हो गया, अब यहाँ पर बता रहे 202। तो यहाँ पर यदि ऑटोमेटिक ऑप्शन चेक्ड रहता है तो इसमें एक बार भी हम टोटल निकालने के बाद उसके बाद यदि हम इसकी कोई वैल्यू चेंज करते हैं तो वो ऑटोमेटिक इसमें ऐड होके आ जाती है। लेकिन यदि यहाँ पर हम करते हैं मैनुअल ऑप्शन को सिलेक्ट, अब यहाँ पर मैंने पहले ऑटोमेटिक था अब यहाँ पर कर दिया मैनुअल, तो अभी देखो यहाँ पर कितना है 202, उसके बाद यहाँ पर ये लिखा है 67, मैंने यहाँ पर कर दिया 120, एंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं हुआ। तो मैनुअल में क्या होता है, कोई भी चेंजेस नहीं होता है जब तक हम यहाँ से ऑटोमेटिक ऑप्शन पर क्लिक ना करें। तो यदि मैनुअल ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट रहेगा तो यहाँ से हम जो भी वैल्यू चेंज करेंगे तो उसका टोटल यहाँ पर नहीं बताएगा। तो उसके लिए दो तरीका है, एक तो यहाँ पर ऑटोमेटिक ऑप्शन पर क्लिक करो या दूसरा तरीका है कैलकुलेट नाउ। जैसे हम यहाँ पर कैलकुलेट नाउ ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर अब बताने लगा ये कितना हो गया 255। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ऑटोमेटिक ऑप्शन पर क्लिक करके भी इसका यूज़ कर सकते हैं या कैलकुलेट नाउ ऑप्शन पर क्लिक करके भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है ऑटोमेटिक एक्सेप्ट फॉर डेटा टेबल, तो इस ऑप्शन से क्या होता है जैसे यहाँ पर दिया हुआ है डेटा टेबल, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले इस ऑप्शन का यूज़ करने के पहले डेटा टेबल ऑप्शन का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये जो डेटा टेबल ऑप्शन है ये कहाँ पर दिया हुआ है, डेटा टाइप के अंदर वॉट इफ एनालिसिस ऑप्शन जो दिया है डेटा टूल्स ब्लॉक, उसके अंदर ये ऑप्शन दिया हुआ है वॉट इफ एनालिसिस, इस ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करते हैं, ये यहाँ पर दिया हुआ है डेटा टेबल ऑप्शन। तो इसके लिए हमें पहले डेटा टेबल ऑप्शन का यूज करना होगा। तो डेटा टेबल ऑप्शन का यूज करने के बाद जैसे हम यहाँ पर इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं ऑटोमेटिक एक्सेप्ट फॉर डेटा टेबल, तो क्या होता है डेटा टेबल को छोड़कर बाकी सारी जगह चेंजेस होगा पर डेटा टेबल में नहीं होगा, मतलब जो भी वैल्यू हम चेंज करते हैं वो वर्कशीट में कोई भी जगह पर दिखाई देगी लेकिन जो भी हमने डेटा टेबल का यूज़ किया है उस डेटा टेबल में उसका यूज़ यहाँ पर नहीं दिखाई देगा, मतलब उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी यदि ऑटोमेटिक एक्सेप्ट फॉर डेटा टेबल ऑप्शन सेलेक्ट है। तो यदि ये ऑप्शन सेलेक्ट होता है तो डेटा टेबल में कुछ भी चेंजेस नहीं दिखाई देगा, उसके लिए भी हमें यहाँ पर ऑटोमेटिक ऑप्शन पर क्लिक करना होगा या कैलकुलेट नाउ ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। इसी तरीके से यदि सीट को कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर हम कैलकुलेट सीट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं।